तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग दो मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है दी केरला स्टोरी और दूसरी मूवी है अफवाह। तो वैसे दोनों ही मूवीज़ एक डेट पर रिलीज़ की गई थी कल 5 मई को और आज दोनों ही मूवीज़ को रिलीज़ हुए दूसरा दिन है। तो बात करेंगे दूसरे दिन पर ये दोनों मूवीज़ कितना कलेक्शन कर रही है और दो दिनों में इन दोनों मूवीज़ ने कितना कितना कलेक्शन कर लिया है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा दोनों मूवीज़ के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहले बात करते हैं दी केरला स्टोरी मूवी की। तो गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में आपको अदा शर्मा और योगिता बिहानी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का जो बजट है वो है 30 करोड़ रुपए का, अच्छा बजट है। और इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज़ किया गया है। बात करें मूवी के कलेक्शंस की तो इस मूवी का जो पहले दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 8 करोड़ 30 लाख रुपये। बात करें आज दूसरे दिन की तो दूसरे दिन पर बहुत ही बड़ा इस मूवी ने जंप लिया है कलेक्शन में और दूसरे दिन पर जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आ रहा है अर्ली एस्टिमेट वो है 11 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि ये बहुत ही बड़ा दूसरे दिन पर ये कलेक्शन कर रही है। बात करें दो दिनों में टोटल इस मूवी ने कितना इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है तो इस मूवी का टोटल दो दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो जाता है 19 करोड़ 80 लाख रुपए, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है और अपना बजट ये 1 से 2 दिन में ही कवर कर सकती है अगर ये इस मूवी को ऐसे ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता रहा तो। कल आने वाला है संडे और संडे होता है छुट्टी का दिन, उस दिन लोग ज़्यादा मूवीज़ देखने जाते हैं और कल के दिन पर इस मूवी का कलेक्शन इससे भी ज़्यादा आने वाला है। आज अगर 11 करोड़ 50 लाख आ रहा है तो कल के दिन पर ये 13 से 14 करोड़ की कलेक्शन कर सकती है और आराम से ये अपना बजट कल ही कवर कर सकती है। इस मूवी को रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और लोग इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस मूवी के जो जब ट्रेलर आया था तब से ही इस मूवी का इंतजार बहुत ही लोग कर रहे थे क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर बहुत ही कमाल का था और इस मूवी की खास तौर पर स्टोरी बहुत ही कमाल की है जो लोगों के साथ अटैच हो चुकी है और इतनी जल्दी ये हटने वाली नहीं है थिएटर्स में से, ये बहुत लंबा चलने वाली है ये मूवी। जैसे कांतारा ने कलेक्शन किया था वैसे ही ये मूवी भी कलेक्शन करने वाली है। ऐसी मूवीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है कि जो लंबा थिएटर्स में चल सकें, जैसे कि अभी ये मूवी आई है इससे पहले कांतारा थी जो कि लोगों के साथ सही तरह से अटैच हो चुकी थी और बहुत लंबा चली थी और उस मूवी ने बहुत बड़ा कलेक्शन किया था और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी और वैसे ही इसी ये मूवी भी चलने वाली है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी भी लोगों के साथ अटैच हो चुकी है। बाकी आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी अफवाह की। तो गाइस अफवाह भी हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में आपको नवाजुद्दीन सदीकी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा तापसी पन्नू भी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 20 करोड़ रुपए का, अच्छा बजट और इस मूवी को भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में कल रिलीज़ किया गया था। बात करें मूवी के कलेक्शंस की तो इस मूवी का जो पहले दिन पर कलेक्शन निकल कर आया है वो है 1 करोड़ 5 लाख रुपये इंडिया से नेट कलेक्शन और दूसरे दिन आज की बात करूँ तो आज इस मूवी के कलेक्शन में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है और दूसरे दिन पर जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आ रहा है इंडिया से नेट कलेक्शन वो निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 15 लाख रुपए, जो कि देखा जाए आज ये मूवी अच्छा कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। बात करें इस मूवी का दो दिनों का टोटल कितना कलेक्शन हो जाता है तो दो दिनों में इस मूवी ने जो टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है वो हो चुका है 2 करोड़ 30 लाख रुपये, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक कलेक्शन है और एक डिसेंट स्टार्ट इस मूवी ने ले लिया है। अगर ये मूवी लोगों को सही पसंद आ जाती है और अगर लोग इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये मूवी भी चल सकती है, लेकिन अभी तक जो इस मूवी के रिव्यूज़ हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं लेकिन पब्लिक इस मूवी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रही जितना कि दिखाना चाहिए। बाकी आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। इन दोनों मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं अपने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।